सेलिब्रिटी टेरोट कार्ड रीडर के रूप में इन दिनों मुंबई की रूही जैन का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। पिछले 13 सालों से इजिप्ट की भविष्य जानने की सुविधा पर काम कर रही रूही जैन मुंबई की सेलिब्रिटीज के बीच काफी मशहूर हैं। टेरो कार्ड के माध्यम से सटीक जानकारी देकर आश्चर्यचकित कर देने वाली रूही जैन कई सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। साधना न्यूज MPCG पर हर रविवार सुबह 10:30 बजे और हर सोमवार सुबह 10:30 बजे रूही जैन के साथ एक शो प्रसारित होगा जिसका नाम है टैरोट कार्ड रीडर अ शो विथ रूही जैन। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से सप्ताह क्या कह रहे हैं, आपकी राशि के बारे में, आपके बारे में। ये भी जानिए कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा रंग इस बार आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाला है। नमस्कार दर्शकों, मैं टैरोट कार्ड रीडर रूही जैन एक बार फिर से आप सभी का टैरोट कार्ड रीडिंग शो में स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह आपका भविष्य क्या बोलता है टैरोट कार्ड के माध्यम से। तो दर्शकों, हमारी पहली राशि जो आती है वो आती है मेष राशि। मेष राशि वालों, इस सप्ताह आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, फिजूल खर्ची ना करें, अपने धन को संचय करके रखें, अपनी मनी को सेविंग करके रखें और किसी भी तरह का कोई भी जोखिम भरा जो कार्य है, जो जोखिम भरा जो निर्णय है आपका, उसको आप अवॉइड करें। मेरा मतलब ये है कि थोड़ी सी सावधानी के साथ आप लोगों को इस सप्ताह चलना पड़ सकता है, वरना धन आने की संभावना है। आप लोगों का जो शुभ दिन है वो मंगलवार रहेगा और जो शुभ कलर रहेगा वो रहेगा नारंगी और पीला। तो दर्शकों, इसके बाद हमारी जो अगली राशि आती है वो आती है वृषभ राशि। आइए देखते हैं वृषभ राशि वालों, आपके कार्ड इस सप्ताह क्या कहते हैं। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती पूर्वक दिन बिता सकते हैं, कहीं पर पिकनिक के लिए जा सकते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग, कोई यात्रा, छोटी मोटी यात्रा का योग मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो आपकी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो महत्वपूर्ण कार्य इस सप्ताह मुझे दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, पर विचलित ना हो, सकारात्मक रहे, आने वाले समय में परिणाम अच्छे मिलेंगे। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन है वो रहेगा शुक्रवार और शुभ कलर जो है वो रहेगा आपका सिल्वर या व्हाइट। तो दर्शकों, हमारी अगली राशि जो आती है वो आती है मिथुन राशि। तो आइए देखते हैं मिथुन राशि वाले आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। मिथुन राशि वालों, आपके कार्ड्स में आज जो कार्ड्स आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं, काफी सकारात्मक आए हैं। इस सप्ताह आपको आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, आप उनकी मदद से, उनकी सलाह से कोई नया कार्य चालू कर सकते हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जब भी आप कोई नया काम चालू करें तो आप आपके पिताजी को आशीर्वाद जरूर लें, आपके घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें और उसके बाद ही कोई कार्य की शुरुआत करें। और मैं आप लोगों को एक सलाह और देना चाहूंगी मिथुन राशि वालों की, आप इस सप्ताह में किसी को भी किसी भी तरीके का पैसा उधार ना दे, ना ही किसी से उधारी ले, क्योंकि ये पैसा अगर आप किसी को उधार देते हैं तो वो आपको वापस मिलने के चांसेस थोड़े से मुझे इस सप्ताह कम नजर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा मंगलवार का और जो शुभ कलर रहेगा वो रहेगा नीला। तो दर्शकों, इसके बाद हमारी अगली राशि जो आती है वो आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले, आप लोगों के लिए कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि आज के दिन आपको कोई आपके बचपन का साथी, आपके बचपन का दोस्त मिल सकता है, किसी नए फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आप काफी दिनों से चाह रहे थे कि मैं अपने इस दोस्त से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। कुछ भूली बिसरी यादें जो थी आप लोगों के मन में जो चल रही थी, तो आज आप किसी अपने ऐसे दोस्त से मिल सकते हैं जो आपके बचपन का साथी और काफी समय से आप उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सलाह और भी देना चाहूंगी
कर्क राशि वालों की आप लोग किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना उलझें और किसी भी तरीके का जो लड़ाई झगड़ा है आप उसे जरूर अवॉइड करें। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा गुरुवार का और जो शुभ कलर रहेगा वो रहेगा पीला। तो दर्शकों इसके बाद हमारी जो अगली राशि आती है वो आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों ये जो सप्ताह रहेगा ये सप्ताह आपको आपकी जो महिलाएं हैं आपके घर की जो बहनें हैं आपकी जो महिला मित्र हैं इन लोगों से किसी भी तरीके का जो वाद विवाद है वो शायद हो सकता है और उनके साथ में आप अच्छे तरीके से पेश आइए, उनसे आप वाद विवाद में बचिए, किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा जो है आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। और आपकी जो गर्लफ्रेंड है या जो आपकी प्रेमिका है उसके साथ भी ये सप्ताह आप जितना अच्छे से रहेंगे जितनी अच्छी बातचीत आप रखेंगे एक तरीके से एक कहते हैं ना कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप जो बना के रखेंगे तो ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। आपके लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा मंगलवार का और जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा नीला। तो दर्शकों अब हमारी जो अगली राशि आती है वो आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों मैं आप लोगों को इस सप्ताह के लिए ये सलाह देना चाहूंगी कि थोड़ा सा आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, थोड़ा सा आप डिप्रेशन हावी हो सकता है, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आप उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करिए। कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर है या जो आपका जीवन साथी है उसके साथ में थोड़ी अनबन होने का मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। तो जो भी बातचीत है हम उसको प्यार मोहब्बत से एक अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं बजाय कि लड़ाई झगड़े करके या वाद विवाद करके। तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें और कुछ भी अगर आपके कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम चल रहे थे या कानूनी अड़चने आपको आ रही थी तो उस लिहाज से ये सप्ताह आप लोगों को रिलीफ मिलने की चांसेस काफी हद तक है। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा शनिवार का और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा नीला। तो दर्शकों इसके बाद हमारी जो अगली राशि आती है वो आती है तुला राशि। तुला राशि वालों ये सप्ताह आप लोगों को मैं ये सतर्क करना चाहूंगी कि आपकी जो बीमारी है कोई पुरानी बीमारी वापस से आ सकती है। आप किसी भी मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रह सकते हैं। आप आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाहर का थोड़ा जो खाना पीना है आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। आपकी जो थोड़ा सा जो जिम है या जो वर्कआउट है थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहिए और अपना जो थोड़ा सा व्यायाम है कसरत है उसको आप थोड़ा सा समय दीजिए। इस सप्ताह आप लोगों को ये जरूर सलाह देना चाहूंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं जो भी कार्य आप कर रहे हैं जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं तो उसको एक बार कहते ना कि दिल और दिमाग दोनों को आप एक बार सोचिए बैलेंस करके कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, या ये इसके जो रिजल्ट्स हैं आने वाले भविष्य में तो वो मेरे फेवर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसका एक बार आकलन जरूर कर लीजिए। उसके बाद ही किसी भी तरीके की चीजों पर आप आगे बढ़िए। अपने माँ बाप का आशीर्वाद आप जरूर ले इस सप्ताह। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा शुक्रवार का और जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा जामुनी। हमारी अगली राशि जो आती है दर्शकों वो आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों आप लोगों के लिए जो ये सप्ताह रहेगा वो थोड़ा सा चुनौतियों से भरा हुआ मुझे दिख रहा है। आप लोग जो भी चीजें सोच रहे हैं ना आप उसको वास्तविकता के धरातल पे रख के सोचिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने ऐसा सोचा है ऐसा कर लूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। जो चीज का जितना परिणाम है या जो चीज जितना रिजल्ट दे सकती है हम उसको एक प्रैक्टिकल तरीके से देखें, वास्तविकता की नजर से देखें तो आप लोगों के लिए काफी चीजें आपके फेवर में हो सकती है। वरना आप ये जो आपके भ्रम जाल में जी रहे हैं इससे आपको कुछ रिजल्ट हासिल होने नहीं वाला है। थोड़ा सा जो मेहनत है आप लोगों को मेहनत और करने की जरूरत पड़ सकती है। जो आपके एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स आप थोड़े से और दीजिए और जो फिजूल खर्ची से बचे थोड़ा सा सेविंग पे आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है रविवार का और शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा लाल। इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है दर्शकों वो आती है धनु राशि। आइए देखते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या बोलते हैं। धनु राशि वालों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका सप्ताह रहेगा ये सप्ताह नई चुनौतियों से भरा हुआ है,
नए मौकों से भरा हुआ हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं जो आपको चैलेंजिंग लगे और आपको लगे कि यार ये मैं कैसे कर पाऊंगा या ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा आपको ऐसा सजेशन है कार्ड्स के माध्यम से कि ये आपकी लाइफ का अगर कोई ऐसी नई चुनौतियां आ रही हैं, कोई नए चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि आप उनको करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे और आपके लिए ये एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है। तो घबराइए नहीं, अगर कोई ऐसी नई चुनौतियां आ रही हैं, नए मौके ऐसे आ रहे हैं, तो आप उनसे अपने आप को लड़ने के लिए, उन पे खड़े उतरने के लिए काबिल बनाइए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए जो शुभ रंग आएगा, शुभ दिन जो आएगा वो बुधवार आएगा, शुभ रंग आपका हरा आएगा। तो दर्शकों आइए देखते हैं, इसके बाद हमारी जो अगली राशि आती है वो मकर राशि आती है। मकर राशि वालों, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अभी तक आपको जिन भी कामों में सफलता नहीं मिल रही थी, या थोड़ा सा आप कह लीजिए आप जिन कार्यों को नहीं होने से आप थोड़े से उदास थे, परेशान थे, तो ये सप्ताह जो है वो थोड़ा सा आप एक बार फिर से विचार करिए कि कहाँ पर हम चीजों में फेरबदल कर सकते हैं, कहाँ पर हम किसी की मदद ऐसी ले सकते हैं। आप आपकी माता की मदद ले सकते हैं, आप आपकी बहन की मदद ले सकते हैं, या जो आपकी आपके जो और सहयोगी, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो मित्र हैं, आप उन लोगों के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो एक जो मुझे कार्ड्स के माध्यम से दिख रहा है, आप लोगों का मन अभी ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप चीजों को नए तरीके से देखिए, नए प्लानिंग्स के साथ में देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि हम किसी की मदद से, किसी की सलाह हम ले सकते हैं, तो आप आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लीजिए। और आप लोगों का जो शुभ दिन है वो मंगलवार रहेगा, और जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा पीला। तो दोस्तों को इसके बाद हमारी जो अगली राशि आती है वो आती है कुंभ राशि। आइए देखते हैं कुंभ राशि वाले आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत कार्ड्स निकला है कुंभ राशि वाले। ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ नए काम आप लोगों के लिए आ सकते हैं। जो लोग कला से जुड़े हुए लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को नई अपॉर्चुनिटी इस दिशा में मिल सकती है। और आपको आपके सीनियर्स का, आपके ऑफिसर्स का, आपके बॉस का, आपके जो पिताजी हैं, जो आपके घर के बड़े लोग हैं, उनका आपको बहुत सहयोग मिलेगा, और उनके सहयोग से आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। और बस मैं एक चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहिए, मेडिटेशन वगैरह आप करते रहिए, तो ये आपके फेवर में ही जाएगा। आप लोगों का जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा गुरुवार का, और शुभ कलर रहेगा पीला और नारंगी। और दोस्तों मैं ये आप लोगों को जो सलाह देती हूँ, जो शुभ रंग है आप लोगों का, तो मेरा मतलब ये होता है कि उस कलर का आप उस सप्ताह में भरपूर उपयोग करिए। उस कलर को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहनेंगे तो आपको वैसी एनर्जी मिलेगी, और काम हमारे कहीं ना कहीं थोड़े से जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमारी कम हो जाएंगी। और अब हमारी अंतिम राशि आती है दर्शकों, वो होती है मीन राशि। आइए देखते हैं मीन राशि वाले आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। मीन राशि वालों, अगर आप लोगों को इस सप्ताह अगर कहीं बाहर जाने का आप प्लान कर रहे हैं, कोई आपकी मतलब ऐसी प्लानिंग थी कि आप लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान था, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी की वजह से आपके परिवार के सदस्य जो हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनको या तो कोई अचानक से बीमार पड़ सकता है, तो उस वजह से चीज़ें थोड़ा सा आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। तो उस वजह से निराश नहीं हुई है, आने वाले सप्ताह में वापस से हमारे पास में नए मौके आएंगे, या कुछ और ऐसा प्लान आप अपने परिवार के साथ में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लोगों को एक सलाह यहाँ जरूर देना चाहूंगी कि जो आपके घर के बुजुर्ग हैं या बड़े लोग हैं या जो बच्चे हैं, उनकी सेहत का, उनके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। आप लोगों का जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा शुक्रवार, और शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा सफेद और पीला। तो दर्शकों ये थे हमारी 12 राशि का भविष्यफल इस सप्ताह के लिए। मैं रूही जैन इजाजत चाहूंगी, नमस्कार।